हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में, जिसके अंदर हम बताने वाले कि क्राउच ग्लोअल या तो फिर जो सीटअप ग्लोअल होता है वो आप कैसे एकदम परफेक्ट तरीके से लगा सकते हो, वो भी विथ हैंड कैम बताने वाले। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हम डेली डालते रहते हैं, तो आपको यार ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती है तो गाइस आपको करना क्या है, जल्दी से जाओ लाइक करो। आपका एक लाइक हमारे एक मोटिवेशन के बराबर है, तो अपनी तरफ से मोटिवेशन पूरा का पूरा देके जाना। एंड गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे। तो चलिए तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी सेंसिटिविटी को एकदम 100 रखना है। एंड इसके बाद आता है कस्टम HUD, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपने देखा होगा गाइस के कुछ PC प्लेयर्स जो होते हैं गाइस, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे सीटअप ग्लोअल या तो फिर क्राउच ग्लोअल लगा सकते हैं, क्योंकि वो इनका जो कंट्रोल होता है गाइस, वो एक साथ 3 या तो फिर 4 बटन को एक साथ दबा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम हैं मोबाइल प्लेयर्स, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैटर जो है वो कस्टम HUD करता है, तो जिससे आपको गाइस जो ग्लोअल्स का जो स्लॉट होता है, इसके बाद क्राउच और इसके बाद जो स्प्रिंट का होता है, ठीक है, वो आपको तीनों को एक साथ रखना है, ठीक है। ग्लोअल्स, क्राउच और स्प्रिंट वाला बटन जो है वो तीनों को आप एक साथ रखना है, क्योंकि तीनों को आप एक साथ क्लिक कर पाओगे। एंड ये तो बात हुई कस्टम HUD की, तो अब गाइस बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे, मतलब इसको यूज़ कैसे करना है, और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे सीटअप ग्लोअल्स जो है वो लगा पाओ। तो गाइस, सबसे पहले तो बात आती है यहाँ पे आप करोगे फायर, ठीक है, किसी बंदे को डैमेज देने के लिए आप पहले करोगे फायर। तो इसके बाद कौन सा स्टेप कहाँ पर लेना है, तो देखिए गाइस, सबसे पहले आप फायर करोगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको टच कहाँ पर करना है, ग्लोअल्स पे, याद रखना है ग्लोअल्स पे टच करना है। इसके बाद आपको टच करना है क्राउच वाले बटन को, क्राउच वाले बटन को जैसे ही टच करते हो, ठीक है, तो आपको फिर से वहाँ पे राइट फायर बटन जो होता है उसको क्लिक कर देना है। एंड देन इसके बाद आपको स्प्रिंट वाला बटन को यूज़ करना है। तो गाइस लाइन में याद रखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है गाइस राइट फायर बटन, ठीक है, सेकंड पे आता है ग्लोअल्स, थर्ड पे आता है यहाँ पे क्राउच वाला बटन, एंड 4 पे आता है फिर से राइट फायर बटन, एंड 5 पे आता है स्प्रिंट। तो गाइस ये आपको एकदम सीक्वेंस में याद रखना है। सो गाइस, आप ये सभी स्टेप्स फॉलो करते तो आप बिल्कुल PC प्लेयर्स की तरह यहाँ पे सीटअप ग्लोअल्स लगा सकते हो। तो आई होप मैंने जो भी समझाया आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस वीडियो में इतना ही था, तो यार जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है। एंड अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और बेल जरूर दबाना, क्योंकि आप सभी को पता है कि यार YouTube जो है बहुत ही सस्ते नशे करता है गाइस, नोटिफिकेशन कहीं पे जाता नहीं है, तो यार इस वजह से वीडियो में व्यूज़ भी कम आते गाइस। तो यार इतना कर देना भाई, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि फिर अगर आप बेल दबाते नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। तो चले तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स के, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। We'll be right back.